जी हाँ, हम मंदिर के पास आज आ गए हैं, अर्बुदा देवी मंदिर के पास, एंड हम दर्शन करेंगे। ये अर्बुदा देवी जी का मंदिर है। हम कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो बाहर से ही मैं फोटोग्राफ खींच रही हूँ। अंदर जाके दर्शन करूँगी, माता जी का दर्शन करूँगी। इट इज़ एन शक्तिपीठ, सो आई रियली होप दैट हम सबको माता जी ब्लेस करें दिवाली के दिन। अभी हमने माता जी का दर्शन किया, अर्बुदा देवी जी का। बट अर्बुदा देवी जी के इतिहास के बारे में मुझे भी कम पता है, एंड मैं चाहती हूँ कि हम जो पुजारी जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे थोड़ा कुछ समझे जाने, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लोग माउंट आबू आते हैं मगर अर्बुदा देवी जी के मंदिर आके उनका आशीर्वाद नहीं लेते। इट इज़ अ शक्तिपीठ एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल शक्तिपीठ। जी महाराज जी, कुछ आप बताएंगे थोड़ा कुछ इतिहास? ये जहाँ आपने मंदिर में माता जी के दर्शन किए, ये यहाँ की माउंट आबू की, जिसको अर्बुदाचल पर्वत बोलते हैं, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। इन माता जी के नाम से ही ये अर्बुदा माउंट आबू नाम पड़ा है इसका। इस पूरे क्षेत्र का नाम अर्बुदा पर्वत है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में माउंट आबू किया है। ये जहाँ आप अंदर एंटर किए हैं, वहाँ से लेके अंदर तक पूरा मंदिर प्राकृतिक है। पूरा मंदिर गुफाओं के बीच में है और कोई काट छांट के बिना इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर लगभग 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। 5,500? हाँ जी। स्कंद महापुराण, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है, उसमें माता जी का वर्णन आता है और उसी के अनुसार हम बता पाते हैं कि ये इतना पुराना है। दूसरा, ये शक्तिपीठ जो 52 शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर माता जी के एक एक अंग की विशेष पूजा होती है, उसमें माता जी के यहाँ पर होठ गिरे थे, जिसको होठ को संस्कृत में अधर बोलते हैं, इसलिए ये अधर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये इस पूरे क्षेत्र की मुख्य अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। नवरात्रि में 9 दिन में छठा स्वरूप कात्यायनी का है। कात्यायनी का जो सबसे मुख्य पीठ स्थान है पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में कह दीजिए, वो मुख्य स्थान यही है जो गुफा के बीच में है जी। और पूरा नेचुरल है, कुछ भी काट छाट के बिना बनाया, मतलब बना हुआ है। और माता जी की जो प्रतिमा आपने दर्शन किए, वो स्वयंभू है। उसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये कितनी पुरानी है, परंतु स्कंद महापुराण के हिसाब से हम ये बताते हैं कि ये मंदिर और माता जी लगभग 5,500 वर्ष से पहले के हैं। वेरी वेरी गुड, थैंक यू महाराज जी, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। नहीं, वेलकम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भरत रावल है और मैं इस मंदिर में, मेरी वर्तमान में 10वीं पीढ़ी है। 10वीं पीढ़ी? हाँ जी, लगभग 400 साल मान लीजिए कम से कम। मेरे दादाजी पिताजी ऐसे होते हम लोग, हमारे यहाँ 10वीं पीढ़ी है। ठीक है। और हम लोग यहीं पे वंश परंपरा से पूजा का काम करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू जी। कुछ भी भविष्य में अगर हम तो सक्षम है नहीं, माता जी के आशीर्वाद से कोई जरिया बन पाए तो आप जरूर बताना जी। कोई कुछ जरूरत हो, हम जरिया बन पाए तो जरूर बताना। जरूर जरूर जी, वेलकम। ओके तो जी, माता जी की जैसी इच्छा। माता जी की जैसी। देखिए, दिवाली के दिन हमको माता जी के दर्शन हो गए। हम लोग ने प्लान नहीं किया था, मगर देखिए कल के आए पीछे से पूरा चढ़ गए। मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि माता जी का ये विशेष ही बात है कि कई लोग यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं जी, वहाँ आकर भी दर्शन नहीं कर पाते जी। उसके लिए कुछ बहाना होता है कि मेरे को सूज नहीं उतारने हैं, मैं मोबाइल यहाँ जमा नहीं कराऊंगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब ये एक बहाना होता है। परंतु वो माता जी बुलाती नहीं है कि तू आया भले ही, पर अंदर नहीं आ सकता है। और ये भी छोड़िए, आप जहाँ गुफा के अंदर केव तक गए ना, ये प्रत्यक्ष बात है, वहाँ जाने के बाद भी आदमी वापस आ जाता है कि नहीं ये चट्टान गिर गई तो वो माता जी की इच्छा नहीं होती, उसको दर्शन नहीं देती है, ये पक्की बात है। और यही बात स्कंद महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि बिरले लोग ही मेरे दर्शन कर पाएंगे, ये माता जी ने स्वयं ने कहा। बिरले मतलब? बिरले मतलब कुछ गिने चुने। गिने चुने? हाँ। देखिए, यहाँ आके मंदिर में जाके बाहर आना अलग बात है और दर्शन करना अलग बात है, दोनों में फर्क है जी। जैसे आपने कहा ना, हमारी तो ये आज दीपावली के दिन हाँ। तो ये आपने दर्शन की बात की हाँ। कई लोग आएंगे घूम के चले जाएंगे, उनको पूछो अंदर क्या था, कुछ मालूम नहीं। इसलिए वो दर्शन एक अलग बात होती है, घूमना अलग बात, बहुत अलग बात। तो इसलिए माता जी की जिनको अनुमति होती है वही दर्शन कर पाते हैं। हमारे यहाँ कई लोग, यहाँ स्थानीय लोग होंगे जिन्होंने पिछले 50 साल से कभी दर्शन नहीं किए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। यहाँ स्थानीय की बात है, स्थानीय मतलब लोकल पीपल। हाँ, लोकल पीपल जी, जी जी। तो वो तो उनकी इच्छा पे ही निर्भर, माता जी की इच्छा थी इसलिए हमारे दर्शन हो गए।
हमने भी सॉक्स के ऊपर बातचीत करी, मगर हो गए दर्शन। नहीं, कोई बात नहीं, तो पूछ सकते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है जी, तो देखिए ये था मेरा दिवाली का गिफ्ट। मुझे दिवाली के गिफ्ट में अर्बुदा देवी जी का दर्शन हो गया, दर्शन हुआ गुफा के अंदर, एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल। महाराज जी से बात भी कर ली, महाराज जी ने अपना इतिहास, देवी जी का इतिहास बताया, कितना पुराना मंदिर था। एंड आई एम सो ग्लैड कि दिवाली के शुभ पर्व पर मेरे को माता जी के दर्शन हुए, मैंने गुफा के अंदर जाके दर्शन किया, प्रसाद लिया। एंड मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप लोग जो माउंट आबू आते हैं, ये शक्तिपीठ पर ज़रूर आइए, अर्बुदा देवी जी का आशीर्वाद लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जय श्री राम। हेलो मंकी, अभी हम जा रहे हैं वापस, आप देख सकते हैं चलकर नॉर्मल रोड्स के ऊपर, द ट्रैकिंग इज़ ओवर, द दर्शन इज़ ओवर, एंड आई थिंक माई ट्रिप टू माउंट आबू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। दिवाली के दिन दर्शन होना माता जी के, आई थिंक दैट्स ग्रेट, सभी लोगों को ये करना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।